Zombie Apocalypse. ऑल राइट सर, हे नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। और काफ़ी दिनों बाद में एक नई वीडियो आ रही है अनबॉक्सिंग के ऊपर। सो अनबॉक्सिंग की वीडियोस पे आप मेरे चैनल पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिलता है, तो मैंने सोचा क्यों ना नया प्रोडक्ट मैंने मंगाया तो उसकी भी अनबॉक्सिंग कर ली जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेड गियर का MP80। एंड बॉक्स ओवरव्यू की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्वांटिटी 1 ही की है और एड्रेस लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर उसके टाइप लिखे हुए हैं, एक है स्पीड टाइप, एक है कंट्रोल टाइप। तो मैंने यहाँ पर स्पीड टाइप वाला जो ऑर्डर किया है। और यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो, ऑलरेडी जो माउस पैड है मेरे पास ऐसी कोई घटिया क्वालिटी का है जो कि बुरी तरीके से फट भी चुका है, तो इस वजह से मैंने नया ऑर्डर किया है। सो इसको यार क्लेम करते हैं काफ़ी यूट्यूबर्स की वन ऑफ द बेस्ट माउस पैड है अंडर 1000 रुपीज़। तो काफ़ी सस्ता है यार ये माउस पैड। और चलो यार कंप्लीट कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो मैं फटाफट इसकी जो सील है उसको काट लेता हूँ। यहाँ पर ऊपर दो सील हमको मिली है, एक सील ये है, दूसरी ये है, इसको मैंने काट लिया। डब्बा यार ठीक ठाक ही मिला था मेरे को, अमेजोन से मंगाया था। और ओहो नाइस, काफ़ी चिकना है। बाकी बॉक्स की ज़रूरत नहीं है तो इसको हम फेंक देते हैं। तो यार डायरेक्टली मैं बात कर लूँ इसके बारे में, ओहो काफ़ी बड़ा भाई, मतलब मेरे नॉर्मल से कितना बड़ा है, यहाँ से अगर इसको पूरा करें इतना बड़ा है गाइस, थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। और ये एक्सेल साइज़ का है, 80 cm x 30 cm है। इतनी ये 30 है, ये 80 है और 3 mm का ये थिकनेस है। और आइटम की अगर हम लोग वेट की बात करें तो आधे किलो का माउस पैड है गाइस। यहाँ पर आपको एकदम कोने में रेड गियर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि बड़ी सही है। और बाकी यार एक चीज़ मेरे को आप लोग बताना कि ये वाला जो कैमरा एंगल है वो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मैंने क्या है कि मेरे पीसी में थोड़े से बदलाव किए तो जो कैबिनेट यहाँ पर रहता था वो मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, तो इस वजह से मेरे को काफ़ी स्पेस मिल गया अभी। तो मैंने सोचा क्यों ना यार सेटअप भी दिख जाएगा और मतलब थोड़ा ज़्यादा एंगल मिल जाएगा वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि यार जो पहला एंगल था उससे बहुत ही कम चीज़ देखने को मिलती थी, खाली कीबोर्ड और माउस दिखता था बस, और कुछ नहीं दिखता था। तो मैंने कैमरा एंगल जो चेंज किया है, बाकी यार बहुत मोटा है माउस पैड और हैवी भी है काफ़ी, आधे किलो का है। तो चलो यार फटाफट मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो यार लिटरली गाइस बहुत सारी जगह मिल चुकी है, मतलब इतनी ज़्यादा जगह मिल चुकी है ना मेरे को माउस मूवमेंट के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और माउस की थोड़ी सी केबल की वजह से बहुत सारी जगह मिल गई है। तो यार अब मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल टाइप और स्पीड टाइप के अंदर क्या फ़र्क है। मैंने यहाँ पर स्पीड टाइप वाला ऑर्डर किया है। कंट्रोल टाइप के जो भी माउस पैड है वो मैं पहले यूज़ करता था जब मेरे को इतना नॉलेज नहीं था। तो स्पीड टाइप वाला तो भाई गेमिंग FPS गेम्स और कॉम्पिटिटिव गेम्स उन सब के लिए यूज़ होता है, मतलब अगर आप एक गेमर हो तो स्पीड टाइप ले लो भाई। बट कंट्रोल टाइप में क्या होता है कि इसकी जो सरफेस है ना, मैं आपको थोड़ा क्लोज में दिखाऊँ ले जाके, इसकी सरफेस जो है गाइस बिल्कुल स्मूथ है, एकदम चिकनी सरफेस है इसकी। बट अगर आप लोग कंट्रोल टाइप लेने जाते हो ना तो उसकी सरफेस आप लोगों को थोड़ी सी रफ़ देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक फ़ोटो अपलोड कर दूंगा कि स्पीड टाइप और कंट्रोल टाइप किस तरीके का होता है। बाकी कंट्रोल टाइप के अंदर आपको थोड़ा खुरदुरा टेक्सचर देखने को मिलेगा। तो जो लोग भाई आप मेरे एडिटिंग करना चाहते हैं एडिटिंग पर्पज़ के लिए, या फिर आप एक प्रोग्रामर हो इस पर्पज़ के लिए, अगर आपको कोई माउस पैड चाहिए, पिक्स आर्ट आपको यूज़ करना है, फोटोशॉप आपको यूज़ करना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग वर्क डिटेल का वर्क करना होता है, तो उसके लिए आप कंट्रोल टाइप का यूज़ कर सकते हो। कि जैसे कि आप देख सकते हो गाइस थोड़ा सा भी अगर मैं धक्का मारूँ माउस को तो ये यहाँ पे स्लिप हो रहा है, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो हल्का सा धक्का मारते ही इतना ज़्यादा स्लिप हो रहा है। लेकिन कंट्रोल टाइप में क्या होगा, आप पुश करोगे ना तो हल्का सा स्लिप होगा, पूरा इतना स्लिप नहीं होगा। तो थोड़ा सा टेक्स्चर होता है उसके ऊपर रफ़, जिस वजह से आप माउस को ज़्यादा अच्छी तरह कंट्रोल कर पाओगे। बाकी यार इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो ऊपर यहाँ पे सिल्क का क्लॉथ यहाँ पर बिछाया हुआ है, नीचे यहाँ पर एंटी स्लिप मटेरियल है, ऊपर का पूरा पोर्शन जो है वो वाटरप्रूफ है। अगर आपके यहाँ पे चाय वगैरह गिर जाती है तो आप नॉर्मली ये कपड़े से इसको साफ़ कर सकते हो। बाकी वॉशेबल है तो आप इसको आराम से, मान लो आपका ये माउस पैड गंदा हो जाता है तो आप इसको आराम से धो सकते हो पानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एंटी स्लिप मटेरियल है तो भाई अगर आपने बिछा दिया तो फिसलेगा नहीं। तो बस यार इतना ही था इस वाले के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो भाई नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और मैं सोच रहा हूँ एक नई वीडियो करने की जिसमें मैं आपको अभी के प्रेजेंट में जितने भी प्रोसेसर्स हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ।
तो आपने बताना अगर आपको पीसी बिल्ड करना है और आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, तो उस बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस यार इतना था इस वाली वीडियो के लिए, होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और बस यार मैं आपको अगली वाली वीडियो मिलता हूँ। बाय।